मॉर्निंग, नमस्ते। आज के और इससे अगले एक या दो लेक्चर्स में हम बात करेंगे दर्द की। वाह, दर्द जीवन का हिस्सा ही है। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, ऐसा एक फिल्मी गाना भी मैंने सुना था। दर्द को आप क्या दुश्मन समझते हैं? नहीं, दर्द जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर हमारे शरीर के किसी भी टिश्यू को कोई इंजरी पहुंच रही है, उसका नुकसान हो रहा है या होने वाला है, तो दर्द हमें इससे अलर्ट करता है। इट इज़ एन अलर्टिंग मैकेनिज्म एंड देयरफॉर पेन इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। एक रेयर जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें बच्चा पैदा होता है, उसको दर्द का सेंसेशन ही नहीं है। पता है क्या होता है फिर? वो अपनी उंगलियां चबा जाता है, उंगलियां आहत कर लेता है, और क्योंकि उसे दर्द का एहसास नहीं होता। आपने लेप्रोसी के बारे में सुना होगा। लेप्रोसी के पेशेंट को जब पैर के अंगूठे में, पैर की उंगलियों में, पांव के तलवों में दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, तो फिर उसमें जख्म बन जाते हैं। अगर कंकड़ पे पैर पड़ेगा उसे दर्द नहीं होगा, वो आराम से जूते के अंदर एक कंकड़ लिए हुए भी चलता फिरता रह सकता है, जब तक कि वो कंकड़ चुभ के पूरा हड्डी तक नहीं पहुंच जाता। दर्द नहीं होता तो बहुत नुकसान होता है। दर्द अलर्टिंग मैकेनिज्म है। जैसे मान लो हमारा देश है और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल लगा रहता है, उसकी अलग अलग जगह पर चौकियाँ हैं। अगर मान लो कि सीमा पार से कहीं भी गोलीबारी होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे कि हमारे देश का नुकसान होने वाला है, कोई सुरंग खोद रहा है, कोई फेंसिंग को तोड़ फोड़ रहा है, तो किसी भी स्थिति में जो हमारी चौकियां हैं वो ऊपर सूचना पहुंचाती हैं और तत्काल उसके लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो हमारी स्किन है पूरी, और ये जो नाखून हैं, जो हमारे आवरण हैं, इन आवरणों में सारी हर जगह पे, आँख के कॉर्निया में, कंजंक्टिवा में, नाक की म्यूकोसा में, मुंह की ओरल म्यूकोसा में, हर जगह है पेन परसीव करने वाले रिसेप्टर बिठाए हुए हैं हर जगह। उनको कहते हैं नॉसीसेप्टिव रिसेप्टर्स। और वो नॉसीसेप्टिव रिसेप्टर्स किसी भी ऐसे संकट की सूचना तुरंत देते हैं जिससे कि टिश्यूज का नुकसान हो सकता है या हो रहा है या होने वाला है। तो दर्द जो है नॉसीसेप्टिव परसेप्शन से आता है और ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी फिनोमिनॉन है। इसलिए दर्द को बिल्कुल अपना दुश्मन मत समझें, दर्द को समझें ये अलर्टिंग मैकेनिज्म है। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया भाई कि यहाँ कुछ चुभ रहा था। पेन की सेंसरी पाथवेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे भी पहले ये बात करेंगे कि ऊतकों को नुकसान पहुंचने वाला है, इससे हम क्या समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन में नुकसान कैसे कैसे पहुंच सकता है? कांटा चुभ सकता है, कोई भी चीज़ चुभ सकती है, कट लग सकता है, कोई कीड़ा काट सकता है, अथवा हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लें उससे हमारी चमड़ी जल सकती है। इस तरह 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 के नुकसान हमारे स्किन को और दूसरे टिश्यूज को पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी जोर से इसको पकड़ के ऐसे नोच दे तो क्या होता है? प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर अगर ज़्यादा पड़े, उंगली किसी चीज़ में दब रही है, दरवाजे में दब रही है, किसी भी चीज़ में दब रही है, तो पेन अलर्ट करेगा कि यह दब रही है, इसे यहाँ से हटाओ। तो बाहर के इंटेग्यूमेंट्स में पेन पैदा करने वाले स्टिमुलाई ये सब होते हैं। एनीथिंग दैट कैन प्रिक, कोई चुभ सकने वाली चीज़, काट सकने वाली चीज़, अथवा गर्म चीज़, अथवा मरोड़ने वाली चीज़, ये सब चीज़ें बाहर के इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स में पेन पैदा करती हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो कि किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे करके और उसका पेट खोल दिया गया है, आँत खोल दी गई है, तो आप ये देखेंगे कि आँतों में इन चीज़ों से दर्द पैदा नहीं होता। आँत में सुई चुभाओ, कोई दर्द पैदा नहीं होता। आँत को चाकू से काट दो, कोई दर्द पैदा नहीं होता। बड़े आश्चर्य की बात।
आप चौंक जाएंगे, आंत में कब दर्द पैदा होता है? अगर उसके अंदर एक बलून डाल करके उसको जरूरत से ज्यादा फुलाया जाए, आंत की जो स्मूथ मसल्स हैं उन पर ज्यादा स्ट्रेच पड़े, तब उसमें दर्द फील होता है। इसी तरह अंदर के पेट के अंदर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, यूरेटर है, कॉमन बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इनको जब भी ओवर स्ट्रेच किया जाएगा तब इनमें दर्द महसूस होता है। बड़े मजे की बात, चाकू से काटने पे, माचिस से जलाने पे, आंतों में, इवन हार्ट में, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, लेकिन अगर चेस्ट का ऑपरेशन करके लोकल एनेस्थेसिया में और इसको खोल दिया जाए तो हार्ट के अंदर आप अगर सुई चुभाएं, उसमें जलती हुई माचिस लगा दें, हार्ट को दर्द महसूस नहीं होता। हार्ट को दर्द महसूस कब होता है? जब उसकी ब्लड सप्लाई रोकी जाती है। हार्ट का दर्द होता है इस्कीमिया से। अगर कॉरोनरी आर्टरी में एक धागा बांध दिया जाए और धीरे 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 उसको टाइट करते जाएं, तो एक सीमा ऐसी आएगी कि जब हार्ट में दर्द महसूस होने लगेगा। ये अंदर के जो विसरल पेन्स जिनको हम कहते हैं, ये इम्पल्सेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अफरेंट नर्व से ब्रेन के तक ट्रेवल करते हैं, और जो बाहरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीधे थैलेमस तक जाते हैं और फिर थैलेमस में पेन सेंसेशन का इंटरप्रिटेशन होता है। ये पेन पाथवेज कैसी होती हैं? पेरिफेरल नर्व में आप देखेंगे कि मोटर और सेंसरी दोनों तरह के फाइबर्स हैं। सेंसरी में मोटे और पतले, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं। माइलिनेटेड फाइबर्स क्विक ट्रांसमिशन करने वाले और अनमाइलिनेटेड थोड़ा सा स्लो ट्रांसमिशन करने वाले होते हैं। ये सभी फाइबर्स पेरिफेरल नर्व से जा करके, और जितने भी सेंसरी फाइबर्स हैं, ये डॉर्सल नर्व रूट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रवेश करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें ये है आपका डॉर्सल हॉर्न, ये है आपके दो वेंट्रल हॉर्न्स, और यहाँ पर जुड़ता है डॉर्सल नर्व रूट, जिसमें डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन भी है। ये वेंट्रल नर्व रूट है। अगर इसमें मोटा माइलिनेटेड फाइबर एंटर होता है तो वो सेम साइड डॉर्सल कॉलम में मुड़ करके और सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसी नर्व रूट में जो थिन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, जिससे पेन और हीट के सेंसेशन आते हैं, वो या तो उसी सेगमेंट में टर्मिनेट हो जाता है या एक दो सेगमेंट ऊपर, और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है जो कि तुरंत ही अपोजिट साइड में चला जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के रूप में। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रवेश करके ये मेनली दो तरह के ट्रैक्ट्स में से ऊपर को जाते हैं। एक सेंसरी ट्रैक्ट है सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और अल्टीमेटली सारा का सारा राइट साइड का सेंसेशन लेफ्ट साइड के थैलेमस में, और पूरे लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी का सेंसेशन राइट साइड के थैलेमस में पहुंचता है। ये सेंसरी डिकसेशन जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में होता है, उसके जरिए ये राइट के सेंसेशन लेफ्ट साइड में और लेफ्ट के सेंसेशन राइट साइड में चले जाते हैं। थैलेमस में इनका कुछ इंटरप्रिटेशन होता है। पेन सेंसिटिव जो फाइबर्स हैं वो थैलेमस में अपना पेन ट्रांसमिट करते हैं, और फिर थैलेमस से दूसरे फाइबर्स निकल के और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इस पूरे सर्किट में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये दोनों पढ़ते हैं, और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के उन एरियाज में जाकर के स्प्रेड होता है जो एरिया उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हों। और इसलिए जो इंटेग्यूमेंटल पेन्स हैं वो हमारे लिए बहुत प्रिसाइजली लोकलाइज करने लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की बंद आँखों के बाद भी अगर उसको किसी एक बॉडी पार्ट पे सुई चुभाते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ सुई चुभाई, तो वो तुरंत आपको आँख बंद किए हुए भी बता देगा कि सुई कहाँ चुभी है। ये मेरी कलाई के ठीक 1.5 इंच ऊपर और डॉर्सल आस्पेक्ट पे बीचों बीच यहाँ आपने सुई चुभाई है।
अगर और कहीं पर भी उसको सुई चुभाई जाए जिसका डिस्क्रिप्शन वो कर सकता है, तो बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन करना संभव है इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि शरीर का जो बाहरी हिस्सा है इसका पूरा का पूरा नक्शा कॉर्टेक्स में मौजूद है। शरीर का वो हिस्सा जो आंखों से देखा जा सकता है, जो बाहर का नहीं भी अंदर का भी है, मुंह के अंदर आप इसको शीशे में देख सकते हैं, तो जो हिस्सा शीशे में भी देखा जा सकता है वहां तक का नक्शा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद है, और बहुत एक्यूरेट और पिन पॉइंट करके कोई व्यक्ति पेन की लोकेशन बता सकता है। लेकिन जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ईसोफेगस है, जो हार्ट है, मीडियास्टिनम है, अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, और ढेर सारी और चीजें हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, तो वहां पर जब भी पेन होगा तो उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास कोई नक्शा नहीं है इंटरनल ऑर्गन्स का। कोई आदमी ऐसा बता सकता है क्या कि जी जहाँ मेरा पाइलोरिक स्फिंक्टर है उससे ठीक 2 फुट 2 इंच आगे इंटेस्टाइन में वहां पर कुछ जो है अटका हुआ है? ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, ऐसे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स का नक्शा मौजूद नहीं है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास। जितना एक्यूरेट बाहर का नक्शा है उतना एक्यूरेट अंदर का नक्शा नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में जब जब पेन पैदा होगा तो वो बाहर के सरफेस एरिया पे बताएगा, बता तो सकता है कि यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ये यहाँ का दर्द नहीं है, ये भी पता चलता है साथ में। एग्जाम्पल के लिए गॉल ब्लेडर की जो सप्लाई है वो नर्व सप्लाई आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, सेगमेंटल नर्व सप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कंधे का जो सप्लाई है वो C4 सेगमेंट से है, और गॉल ब्लैडर का सप्लाई भी C4 से निकलता है, और वो गॉल ब्लैडर में अगर दर्द होगा तो महसूस ये होगा कि यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन उसे पता भी है कि ये कंधे का दर्द नहीं, क्योंकि कंधा तो ऊपर नीचे पीछे आगे कुछ भी कर लो उस दर्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, और ये सेगमेंटल इनर्वेशन से होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस नर्व सेगमेंट से कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन सप्लाई होते हैं। संक्षेप में आपको ये बता दूं कि ईसोफेगस और हार्ट ये सारे अपर थोरेसिक सेगमेंट से सप्लाई होते हैं। जो स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, ये भी तकरीबन तकरीबन अपर थोरेसिक सेगमेंट से ही सप्लाई होते हैं। फ्रेनिक नर्व गर्दन से नीचे जाती है और वो डायफ्राम को सप्लाई करती है, इसलिए C3 और 4 ये जो सेगमेंट्स हैं ये फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करते हैं। डायफ्राम से उपजने वाले सेंसेशन कंधे को रेफर होते हैं, और इसीलिए गॉल ब्लैडर और डायफ्राम चूंकि आपस में एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए जब जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है तो डायफ्राम इरिटेशन की वजह से डायफ्राम से जो सिग्नल वेन की तरफ जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कंधे से आ रहे हैं, C4 सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से। तो जब जब गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन का दर्द होगा तो वो कंधे में महसूस किया जाएगा, जब जब ईसोफेगस का और हार्ट का दर्द होगा तो वो इस एरिया में, रेट्रोस्टर्नल एरिया में महसूस किया जाएगा। फेफड़ों का दर्द भी जो यूनिलेटरल होगा वो पसली में अगर जाएगा तो पैराइटल प्लूरा में अगर सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो उस एरिया पे लोकलाइज होकर के दिखाई देगा। लेकिन अगर लंग में होगा तो एक टाइटनेस की तरह, एक छाती में भारीपन की तरह ऐसे वो महसूस होगा। तो सेगमेंटल इनर्वेशन को आप ज़रूर याद रखें। जो अम्बिलिकस है वो T10 सेगमेंट से सप्लाइड है और अपेंडिक्स भी T10 सेगमेंट से सप्लाइड है, इसलिए जब अपेंडिसाइटिस होती है तो सबसे पहला दर्द नाभि में महसूस होता है, अम्बिलिकस में महसूस होता है, और उसके बाद फिर जब पेराइटल पेरिटोनियम इन्फ्लेम हो जाती है फिर वो राइट इलिक फोसा में लोकलाइज हो जाता है, जहाँ मैकबर्नीज पॉइंट आपने सुना होगा, उस जगह पे आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है अपेंडिक्स की वजह से। सेम वे और ऑर्गन्स के भी नर्व सप्लाई, सेगमेंटल नर्व सप्लाई आपको याद रखने चाहिए। तो हमने अभी तक ये देखा कि पेन को परसीव करने के लिए शरीर ने विशेष तरह के रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं जिनको नॉसीसेप्टर्स कहते हैं। बाहरी स्ट्रक्चर्स में पेन पैदा करने वाले स्टिमुलाई बिल्कुल अलग, प्रिकिंग, कटिंग, बर्निंग, हॉट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें बाहरी स्ट्रक्चर्स में ही पेन पैदा कर सकती हैं लेकिन अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में नहीं। इंटेस्टाइन में, यूरेटर में, गॉल ब्लैडर में
और कॉमन बाइल डक्ट में इन चीजों में दर्द पैदा करने के लिए इनके अंदर कोई बलून डाल करके जब फुलाया जाता है तो जब इनकी मसल्स ओवर स्ट्रेच होती है तब दर्द फील होता है। हार्ट में तो सिर्फ इस्कीमिया से ही दर्द फील होता है, वरना हार्ट को ऑपरेशन करते समय अगर सुई चुभाई जाए, माचिस लगाई जाए, इन चीज़ों से हार्ट में दर्द महसूस नहीं कराया जा सकता। सिर्फ उसके ब्लड वेसल्स को रोक करके, इस्कीमिया पैदा करके ही हार्ट में दर्द पैदा हो सकता है। तो ये पेन की बेसिक मैकेनिज्म्स के बारे में हमने पढ़ा, और थोड़ा सा हमने पाथवेज के बारे में जाना कि पेरी फेरी से आने वाले फाइबर्स डॉर्सल नर्व रूट से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ के स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट बनाते हैं, और फिर ये सारे सेंसरी फाइबर्स थैलेमस में टर्मिनेट होते हैं अपोजिट साइड वाले में। इसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स के बारे में बात की। सेंसरी कॉर्टेक्स के पास शरीर के बाहरी हिस्से का तो पूरा नक्शा मौजूद है, इसलिए बाहरी हिस्से में होने वाले दर्द को प्रिसाइजली लोकलाइज किया जा सकता है, लेकिन शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स के दर्द को कोई भी व्यक्ति प्रिसाइजली लोकलाइज करके नहीं बता सकता कि ये रहा जी मेरे गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है, या क्योंकि एक जगह दर्द हो रहा है वो जगह जो है वो इंटेस्टाइन का दर्द भी हो सकता है, वो गॉल ब्लैडर का भी हो सकता है, और यही आकर के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कोई आदमी आया, उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है, अब यहाँ पर अंदर ट्रेकिया भी है, यहाँ इसोफेगस भी है, यहाँ पेरिकार्डियम भी है, यहाँ हार्ट भी है, तो ये दर्द किस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रहा है और ये कितना खतरनाक है और ये काहे से ठीक होगा, ये डिसाइड करने के लिए डॉक्टर है। और डॉक्टर का काम इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का ठीक ठीक नक्शा मौजूद नहीं है। दो तरह के पेन्स यानी दर्दों को डिफ्रेंशिएट करने में भलाई है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी पेन, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ तो पेन होगा ही, लेकिन जो भी पेन हो रहा है वो इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं, कम से कम एक या दो साइन आपको और उसमें मिलने चाहिए। जैसे कोई आकर के कहे कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव के पंजे के बाहरी हिस्से में, लेटरल आस्पेक्ट में, और मेरी पिंडली के लेटरल आस्पेक्ट में दर्द है। अब ये दर्द अगर लोकल इन्फ्लेमेशन का होगा तो जब आप उस हिस्से को देखेंगे तो वो हिस्सा आपको गर्म मिलना चाहिए, आपको पांच उसके क्लिनिकल साइंस मालूम है ना इन्फ्लेमेशन के, रेडनेस लाल हो गया है क्या, रूबर ट्यूमर स्वेलिंग आ गई है क्या, वो हिस्सा सूज गया है क्या, पेन तो खैर है ही और गर्म है क्या, कैलोर और लॉस ऑफ फंक्शन, क्या वो हिस्सा फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर इनमें से कोई एक या दो साइन और सिम्टम मौजूद हैं तो उस पेन को आप समझ सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी पेन है। इन्फ्लेमेटरी पेन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। किसी को नाक में दर्द होने लग गया, पता लगा कि नाक के अंदर फुंसी बन गई है, अगर झांक के देखेंगे तो वहाँ रेडनेस स्वेलिंग सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाँव के पिंडली के लेटरल हिस्से में दर्द है, पंजे के भी लेटरल हिस्से में दर्द है, लेकिन वहाँ ना कोई लाली है, ना कोई सूजन है और ना ही कोई अन्य साइन या सिम्टम दिख रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो, तो इस तरह के दर्द को हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। वो दर्द क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उस सेगमेंट से आने वाला जो नर्व रूट है, वो नर्व रूट स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ प्रवेश करता है उस जगह पे उस पर प्रेशर है, या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्वेलिंग की वजह से प्रेशर है, या कोई ना कोई बीमारी वहाँ पर ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उस नर्व रूट पे प्रेशर है। और आप तरह तरह के डायग्राम्स अपनी किताबों में देखेंगे जहाँ पर सेगमेंटल इनर्वेशन में उस पर्टिकुलर नर्व सेगमेंट पे प्रेशर पड़ने से कहाँ कहाँ दर्द होता है, वो आपको नक्शे के रूप में दिखाया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। हालांकि सभी दर्द जो हैं वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से ठीक तो होंगे, लेकिन हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हम फाइंड आउट करें, हम पहले मालूम करें कि ये दर्द क्यों हो रहा है, क्या इन्फ्लेमेशन से दर्द है या अथवा ये नर्व रूट के कंप्रेशन से दर्द है, वेदर इट इज़ ए इन्फ्लेमेटरी पेन और ए न्यूरोलॉजिकल पेन, न्यूरोट्रॉपिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन। कई बार आप ये देखेंगे कि हर्पीस जॉस्टर हो चुकने के बाद कई दिनों तक वो पेशेंट न्यूरालजिया का शिकार रहता है, उसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, बिना किसी डैमेजिंग स्टिमुलस के पेन होता रहता है, वो पेन जल्दी से जाता नहीं, वो ट्राइजिमिनल न्यूरालजिया का पेन होता है। उसमें साधारणतः ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फायदेमंद नहीं होती। अब देखते हैं
पेन की सीवियरिटी के बारे में। पेन कितना सीवियर है, क्लिनिकली इसको हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इस तरह से तीन ग्रेड में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पूज्यनीय आचार्य गुरुदेव B.M. हेगड़े जी की याद करता हूँ और बताता हूँ आपको कि वो क्या कहते रहते हैं। B.M. हेगड़े जी कहते रहते हैं, माइल्ड पेन इज वन विच यू कैन फॉरगेट, मॉडरेट पेन इज वन विच यू कैन नॉट फॉरगेट। जो छोटा सा दर्द है वो ऐसा है कि आप काम काज में लग जाएं तो आप उस दर्द को भूल सकते हैं। जो मॉडरेट पेन है वो आप भूल नहीं सकते, वो याद आता रहता है कि दर्द है दर्द है दर्द है। बट वॉट इज सीवियर पेन? सीवियर पेन इज वन विच मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सीवियर दर्द वो है जो आपको बाकी की सब चीज़ें भुला देता है, उसे भूलना तो दूर, वो ही बाकी चीज़ें भुला देता है। तो पेशेंट से अगर आप पूछेंगे कि कितना दर्द है, तो क्या ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, पेशेंट को भी एक्सप्लेन कर दें कि माइल्ड पेन कौन सा है, क्या इसे भूल सकते हो कि नहीं। मॉडरेट पेन वो है काम काज में लगे हुए भी इसको भूल नहीं सकते, और सीवियर पेन तो वो है जो बाकी सब भुला देता है। अभी फटाफट अपना पैक करो और डॉक्टर के पास चलो भाई, अर्जेंट हो जाता है सीवियर पेन। अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, उसका अर्थ क्या है? बहुत शब्द। कभी कभी मैंने देखा कोई कोई पेशेंट ऐसे करते हैं, जितना ज़्यादा दर्द होता है उनके बहुत की लंबाई उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन उस बहुत दर्द के चलते हुए भी वो महिला अपने किचन में लगी हुई है, दाल रोटी पका के खिला भी रही है, झाड़ू पोछा भी कर रही है, तो वो बहुत दर्द जो है वो ऐसा है कि हाँ उसके लिए तो बहुत दर्द है, लेकिन आप ये जान सकते हैं, मान सकते हैं कि वो फिर भी मैनेजेबल लिमिट में है, क्योंकि उसके रहते हुए भी वो ये सारे काम तो कर ही पा रही है। तो क्लिनिकली वो सीवियर पेन की शायद कैटेगरी में नहीं आएगा, वो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री के कैटेगरी में आएगा। दर्द को क्वांटिफाई करना अच्छा रहता है, ताकि आप रीविजिट पे जब पेशेंट की बीमारी को आप जड़ से ही ख़त्म करेंगे तो क्या उसका दर्द ख़त्म होगा, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि यहाँ एक बात ध्यान देने की और है कि जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो दर्द पैदा करती हैं, वो हमेशा बाहरी एजेंट से ही हो ऐसा नहीं है। हमेशा ही कोई कांटा चुभने की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, या किसी की चोट लगने से या पत्थर ठुकने की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? ऐसा है कि ब्रेन से निकलने वाले जो कहते हैं इफरेंट इम्पल्सेज, जो पेरीफेरी तक जाते हैं, उन पेरीफेरी तक जाने वाले इम्पल्सेज में से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो नर्व एंडिंग पे इन्फ्लेमेटरी केमिकल सिक्रीट करके इन्फ्लेमेशन शुरू कर दें। एक सब्सटेंस P नाम का सब्सटेंस है जो कि न्यूरोनल एंडिंग में पाया जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई, ब्रेन चाह करके इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, ये बात ध्यान दें आप। माइग्रेन का दर्द तो ब्रेन खुद ही पैदा करता है और फिर खुद ही कष्ट झेलता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये इतना क्यूरियस फिनोमेनॉन है कि यहाँ तक की जानकारी तो है हमारे पास कि माइग्रेन का दर्द ब्रेन खुद पैदा करता है, लेकिन अभी बाकी पूरी जानकारी नहीं है कि आफ्टरऑल वो क्यों करता है। अगर उसको दर्द से तकलीफ है तो दर्द खुद ही पैदा करता है। ये ऐसा ही समझो कि जैसे कभी कभी एक्सीडेंटली कुछ हो गया, या अपने हवाई जहाज को, अपने हेलीकॉप्टर को अपनी फौज ने शूट कर दिया, या कभी कभी टेस्टिंग के लिए करते हैं ऐसा, जान करके सूचना देते हैं कि देखें BSF की चौकियां कितनी अलर्ट हैं कि नहीं है, जासूस के द्वारा सूचना भिजवाते हैं, और फिर अपने ही लोग कभी कभार मर भी जाते हैं। तो थोड़ा नुकसान इस चक्कर में शरीर का भी होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि माइग्रेन का दर्द ब्रेन खुद पैदा करता है। ब्रेन खुद इन्फ्लेमेटरी केमिकल सिक्रीट कर सकता है जिस जिस जगह पे उसके न्यूरॉन्स पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पर वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ सकती है, सूजन आ सकती है, वहाँ पर वासोडायलिटेशन हो सकता है। थ्रॉबिंग हेडेक इसीलिए होता है कि वासोडायलिटेशन और इन्फ्लेमेशन के सारे दूसरे साइन और सिम्टम, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सारे पाए जा सकते हैं, और इनमें कोई बाहरी इन्वेडिंग एजेंट नहीं है, ये ब्रेन ने खुद शुरू किया है। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन है सत्य। अब हमें देखना है कि अगर दर्द का मरीज आया है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री टेकिंग, ये दर्द कब से है, ये दर्द क्या तब से अभी तक कंटिन्यूअस है, या कभी होता है और कभी जाता है। अगर ये होता है और जाता है तो इसके पैदा करने वाले ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, और इसको रिलीफ पहुंचाने वाले मेजर्स कौन कौन से हैं, ये भी पूछना पड़ेगा।
कभी पेट का दर्द होता है तो वो खाना खाने से ठीक हो जाता है, कभी पेट का दर्द ऐसा होता है कि वो खाना खाने से बढ़ जाता है, तो रिलेशन विथ फूड, और कभी कभी मोशन पास करने से ठीक होता है, कभी मोशन पास करते समय दर्द होता है, तो रिलेशन विथ पासिंग मोशन, रिलेशन विथ पासिंग यूरिन, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। पेन प्रिसाइजली कहाँ पर है, उसकी साइट कितनी जगह में फैला हुआ है, वेदर इट इज लोकलाइज और समवट मोर डिफ्यूज, फिर वहाँ से वो कहाँ जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि किडनी का दर्द जहाँ मेरा अंगूठा है पीछे की तरफ, वहाँ से उठता है और फिर वो आगे की तरफ आता है और फिर वो नीचे ब्लैडर की तरफ जाता है। तो हर एक दर्द के लिए इतनी चीज़ें पूछने लायक हैं, पेन की सिवियरिटी, पेन की लोकलाइजेशन, पेन का कैरेक्टर कि वो किस तरह का दर्द है, आपको क्या महसूस होता है कि कुछ चुभ रहा है या कोई कट रहा है या कोई जल रहा है या क्या हो रहा है। मेनी टाइम्स पेशेंट्स विल डिस्क्राइब कि दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई जलन हो रही है, जैसे लाल मिर्ची को आपने पकड़ के घिस दिया उसके ऊपर, तो जो जलन सी महसूस होती है वैसा वाला दर्द होता है। सो वन मस्ट नोट डाउन। और जो न्यूरोपैथिक पेन है वो दर्द है, उसको कभी कभी लोग कहते हैं कि कुलन होती रहती है, एक माइल्ड सा मॉडरेट सा पेन है जो परसिस्टेंट है, जो किसी पोजीशन से ठीक नहीं होता। अगर आप पैर की पोजीशन को बदलें, पैर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, पैर की मसल्स को रिलैक्स करें, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, किसी भी चीज़ से वो ख़त्म होता हुआ नहीं दिखता, इस तरह का पेन न्यूरोपैथिक पेन होता है। बहुत बार प्रेशर ओवर द लंबर नर्व रूट इज कॉजिंग दैट पेन विच इज रेडिएटेड टू द लोअर लिम्स, और रीनल पैथोलॉजी की वजह से होने वाले पेन कैसे होते हैं वो हमने आपको अभी अभी बताया। गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी में होने वाले पेन डल एकिंग कैरेक्टर के होते हैं, कई बार वो खाना खाने से बढ़ते हैं, कई बार वो फैटी मील खाने से बढ़ते हैं, और कई बार ऐसा नहीं भी होता, बिना किसी मील के, बिना किसी फैटी मील के, नॉर्मल मील के दर्द बना रहता है इन द गॉल ब्लैडर रीजन और इन द इपिगैस्ट्रिक रीजन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हालांकि गॉल ब्लैडर तो राइट में है, पेन लेफ्ट में था, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने पे गॉल ब्लैडर में स्टोन पाए गए। तो ओकेजनली द पेन कैन बी फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि आफ्टर ऑल जो गॉल ब्लैडर की अगर एम्ब्रियोलॉजी आप देखें, गॉल ब्लैडर ओरिजिनेटेड एज ए मिड लाइन स्ट्रक्चर, तो जो गॉल ब्लैडर की दीवार है, दाहिनी तरफ की दीवार दाहिनी तरफ के नर्व से सप्लाइड है, बाईं तरफ की दीवार बाईं तरफ के नर्व से सप्लाइड है, ऐसे ही पूरे इंटेस्टाइन का हाल है। हर एक इंटेस्टाइन के सेगमेंट में आप देखेंगे कि वेगस नर्व की ब्रांचेस फैली हुई हैं, तो दोनों वेगस की ब्रांचेस पूरे इंटेस्टाइन में फैली हुई हैं, राइट वेगस और लेफ्ट वेगस। इंटेस्टाइन के किसी भी हिस्से में उसकी दाहिनी दीवार के सेंसेशन दाहिनी वेगस में और बाईं दीवार के सेंसेशन बाईं वेगस में जाते हैं, हालांकि इससे कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। आफ्टरऑल अगर एक सेगमेंट में डिसीज है और सर्जन उसको ऑपरेट करना चाहेंगे तो वो दाहिने बाएं हिस्से को अलग अलग थोड़ी ऑपरेट करेंगे, वो तो पूरी इंटेस्टाइन एक साथ ही ऑपरेट होगी। बट दिस हैपन्स विद मिड लाइन स्ट्रक्चर्स कि उनमें कभी कभी पेन आप देखेंगे कि गॉल ब्लैडर का पेन लेफ्ट साइड में फील हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट किडनी में दर्द फील हो रहा है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो लेफ्ट किडनी में कोई पथरी नहीं दिखती है, राइट किडनी में पथरी दिखती है। तो ऐसे समय में ये सोचना पड़ता है कि शायद ये राइट वाले स्टोन का दर्द ही लेफ्ट में फील हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। छाती में प्लूराइटिस का दर्द अक्सर कहा जाता है, वो प्लूराइटिस का दर्द ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति लंबी सांस लेगा तो इतनी लंबी सांस वो ले नहीं पाता, सांस बीच में ही अटक जाती, क्योंकि एकदम से प्लूरा जहाँ इन्फ्लेम्ड है वहाँ पर दर्द करती है। इसी तरह से अमीबिक लिवर एब्सेस का दर्द भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो डायफ्राम को मुंह नहीं होने देगा। पेप्टिक अल्सर का दर्द भी ऐसा ही होता है, अगर आप लंबी सांस लेने को कहें तो डायफ्राम के नीचे के स्ट्रक्चर्स मूव होते हैं, जिसके अंदर किडनीज हैं, लिवर है और स्टमक और ड्यूओडेनम का कुछ हिस्सा है। ड्यूओडेनम तो ऑल दो फिक्स्ड है, लेकिन स्टमक और ड्यूओडेनम का जो जंक्शन है वो अगर मूव होता है और वहाँ पर पेप्टिक अल्सर है तो वो दर्द महसूस होगा। तो कई कई बार डीप इंस्पिरेशन से एग्रावेट होने वाले दर्दों में आपको गॉल ब्लैडर का दर्द भी देखना पड़ेगा, प्लूराइटिस का दर्द भी देखना पड़ेगा, और कभी कभार पेप्टिक अल्सर का दर्द भी देखना पड़ेगा। इन चीज़ों का संबंध डीप इंस्पिरेटरी मूवमेंट से है, इसलिए ये पूछना ज़रूरी है कि लंबी सांस लेने पे, ऐसे लंबी सांस लो तो दर्द एकदम से महसूस होता है क्या। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। जहाँ तक स्केलेटल सिस्टम के दर्द का संबंध है, इनका पूरा का पूरा इवेल्युएशन जॉइंट मूवमेंट के साथ रख के करना पड़ता है कि इस दर्द की वजह से जॉइंट मूवमेंट कितनी लिमिटेड हो गई है अथवा फ्री मूवमेंट पॉसिबल है। गर्दन की मूवमेंट,
थोरैसिक स्पाइन की मूवमेंट जो कि टॉर्शनल मूवमेंट्स होती है, मेनली इधर से इधर घूमो इधर से इधर घूमो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, आगे झुको पीछे झुको, लंबर स्पाइन की मूवमेंट सब तरफ हो सकती है, फ्लेक्शन फ्लेक्शन भी एक्सटेंशन भी, दाहिने मोड़ बाएं मोड़, ट्विस्टिंग रोटेशन, ये सब चीज़। तो लंबर स्पाइन एंड सर्वाइकल स्पाइन दे आर मोर फ्लेक्सिबल, द थोरेसिक स्पाइन इज लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ द रिब केज अटैच। तो जो जो मूवमेंट्स जहाँ जहाँ हो सकती हैं उन मूवमेंट्स के साथ में दर्द एसोसिएटेड है कि नहीं है ये पूछना पड़ता है। सो दिस मच रिगार्डिंग द हिस्ट्री टेकिंग कि दर्द कहाँ पर है, किस कैरेक्टर का है, कितने जोर का है, क्या करने से दर्द पैदा होता है, क्या करने से दर्द में आराम महसूस होता है, ये सब फैक्टर्स जब आप काउंट करेंगे तो जल्दी ही आपको दर्द की डायग्नोसिस बन जाएगी कि दर्द क्यों हो रहा है और किस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रहा है। तो दर्द की डायग्नोसिस में न केवल हमें पेशेंट की बातें सुननी है, पेशेंट का व्यवहार भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वो चल के आया है, कितना धीरे चल रहा था या तेज़ चाल से चल रहा था, क्या वो स्टूल पे ठीक ठीक बैठ पाया कि नहीं, स्टूल से ठीक उठ पाया कि नहीं, कोच पे आपने लिटाया तो ठीक लेट पाया, लेटने के बाद करवट कर पाया, करवट करने के बाद में वो उठ के बैठने में कौन कौन से मूवमेंट्स उसकी पेनफुल हैं, इससे पता चलता है। एक लेडी को सहारनपुर से मेरे पास लाया था, ऐसा हुआ उसे इधर के किसी हिस्से में दर्द महसूस हुआ, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वाले के पास भेज दिया, अल्ट्रासाउंड वाले ने लिख दिया पिन हेड साइज मल्टीपल रीनल कैलकुलाई सीन इन लेफ्ट किडनी। मैं उस रिपोर्ट को देख करके थोड़ा सा चौंका कि पिन हेड साइज क्या होता है भाई, इतनी बड़ी पथरी अंदर रह सकती है, बड़ा मुश्किल लगा। रेत के कणों की तरह की पथरियां हैं अगर, तो उनको तो उसी दिन यूरिन फ्लो में निकल जाना चाहिए, लेकिन खैर वो रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर साहब के पास वापस गए। डॉक्टर साहब ने बजाय इसके कि ये कहते कि ये पिनहेड साइज की पथरी क्या है, तो समझ में आने लायक बात नहीं है, उन्होंने भी मौके का लाभ उठाया, उन्होंने कहा ठीक ये पथरी हम ठीक करेंगे और ये 2 महीने इसको लगेंगे। 2 महीने के लिए उसको कुछ सिरप वगैरह लिख के दे दिया, वो लेडी पीती रही, दर्द वहीं का वहीं, बल्कि दर्द और बढ़ गया। 2 महीने के अंत में तो ये स्थिति हो गई कि उसका बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया, और तब जा करके उनको ये लगा कि नहीं नहीं ये गुर्दे का नया उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया 2 महीने बाद, अब उसमें कोई पथरी नहीं है, अल्ट्रासाउंड वाले ने लिख दिया। तो ये डॉक्टर साहब तो अपनी जगह पे सही हैं, भाई तुम मेरे पास पथरी की रिपोर्ट लाए थे, पथरी का हमने इलाज कर दिया, पथरी उसको नहीं है, लेकिन अरे भाई उसका जो लंबर स्पाइन है उस लंबर स्पाइन में पूरा का पूरा एक डिस्क गल चुकी है, पॉट्स स्पाइन, और तुम 2 महीने उसको बिस्तर पर लिटा के कर क्या रहे थे। तो बड़ी तकलीफ होती है जब मिस डायग्नोसिस होती है, पेशेंट को तो तकलीफ होती ही है, उसकी हिस्ट्री सुनकर हमको तकलीफ होती है कि ऐसे कैसे हो गया गलती में। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अंदरूनी ऑर्गन्स का दर्द हो तो भी, और अगर इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स का दर्द हो तो भी, स्पाइनल नर्व रूट्स को देखें, और ऐसा ना हो कहीं कि स्पाइनल डिसीज बढ़ती चली जाए और आप गॉल ब्लैडर के या किडनी स्टोन के चक्कर में पड़े रहें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट लेडी वॉज ब्रॉट टू मी आफ्टर वन एक्सरे शोड देयर, जब वहाँ पे उन्होंने एक्सरे भी करा लिया, जब उसमें दिखाई दिया कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक जगह स्पाइन ऐसा पिचक के और यूं हो गया, वो ऐसे खाट पे लेटी लेटी वो हड्डी उसकी यूं हो गई, और फिर उसको हमने पॉट्स स्पाइन का ट्रीटमेंट दिया था। दैट लेडी रिकवर्ड इन अबाउट 4 to 5 months, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो डॉक्टर को नॉट ओनली गुड लिसनर होना चाहिए, पेशेंट की बातें सुनो ध्यान से, एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए कि पेशेंट कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे लेटता है। एक और लेडी के बारे में मैं बताता हूँ, किसी दूसरे डॉक्टर ने उसको देख करके कहा था कि तुमको यहाँ पे गॉल ब्लैडर की शिकायत है, मैंने उसको लिटाया, जब वो लेटी मैंने गॉल ब्लैडर भी देखा, मैंने अपोजिट साइड भी देखा, फिर जब मैंने उससे कहा कि अच्छा उठ के बैठो, ज़रा सा उठ के बैठी इतने में बोलती ओ माँ, तो मुझे समझ में आया कि शायद इसका स्पाइनल मूवमेंट से पेन रिलेटेड है। फिर हमने उसको स्पाइन के लिए सीटी स्कैन जब करवाया तो उसके अंदर उसके उसकी एक डॉर्सल स्पाइन की एक डिस्क जो है वो डिसीज पाई गई। तो पॉट्स स्पाइन का डायग्नोसिस भी कई बार बन जाता है एंड इट विल कंफ्यूज यू, वो कभी कभी गॉल ब्लैडर पेन की तरह दिखाई देगा, कभी वो रीनल पेन की तरह दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट्स को नहीं देख लेते कि कौन सी मूवमेंट पेनफुल है, तब तक आप इसकी डायग्नोसिस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो
डॉक्टर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, अच्छा एनालाइजर होना चाहिए, कि जो हर बात को वो समझ सके कि किससे क्या हो रहा है। और इसके बावजूद और उसको अपना माइंड भी हमेशा कूल रखना चाहिए। पेशेंट तो गुस्से में होते ही हैं, पेशेंट्स को एंग्जाइटी होती है, आप एंग्जाइटी के शिकार मत हो जाएं। पेशेंट को उदासी होती है, डिस्पेयर होता है, डिप्रेशन होता है, आप डिप्रेशन के शिकार मत हो जाएं। यू हैव टू बी ऑलवेज कूल, क्योंकि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द प्रोटेक्टिव फिनोमिनॉन है। पहले इसको समझ लें, फिर वो किस चीज़ से प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है, उस चीज़ को, उस डैमेजिंग फैक्टर को हटाइए तो दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उन सिचुएशंस में क्या करें जहाँ कि ब्रेन खुद दर्द पैदा कर रहा है, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम किसी बाद के लेक्चर में देखेंगे। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपा करके उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। ओके, नमस्ते।